आरबीआई ने भारत में नोटबंदी के बाद चलन से बाहर हुए पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट का इस्तेमाल अब साल 2019 में साउथ अफ्रीका में होने वाले जनरल इलेक्शन में होने वाला है। अब आप सोचेंगे ये भला कैसे? इसका जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन उसके पहले एक और सवाल जो हर भारतीय के मन में जरूर होगा कि नोटबंदी के बाद हजारों करोड़ के 500 और 1000 रुपए के नोट बैंकों में जमा हुए, लेकिन इसके बाद इन नोटों का क्या हुआ? क्या इन्हें जला दिया गया या फिर उन्हें कहीं दफन कर दिया गया? अटकलें कई लगी, लेकिन असलियत हम आपको बतलाते हैं। दरअसल जब नोटबंदी की वजह से आरबीआई के पास 1000 करोड़ पुरानी करेंसी जमा हो गई, तब उसने केरल की वलपट्टनम में एक फ्लाई बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया, क्योंकि आरबीआई ना तो इन नोटों को जला सकता था, दोनों ही सूरतों में पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचने वाला था। ऐसी हालत में इन्हें रिसाइकल करना ही एकमात्र उपाय था। जब बैंक ने वेस्टर्न इंडिया प्लाईवुड कंपनी को इसके लिए अप्रोच किया, तो उन्होंने अपनी रिसर्च विंग से बात करने के बाद इन नोटों को रिसाइकल करने के लिए हामी भर दी। तकरीबन 750 टन नकली करेंसी प्लाईवुड की फैक्ट्री पहुंची, जहां पहले इन नोटों को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया गया। इस पल्प को इन्होंने लकड़ी के साथ मिलाया और प्लाईवुड तैयार किया, और अब इसी प्लाईवुड का इस्तेमाल साउथ अफ्रीका में 2019 में होने वाले इलेक्शन के लिए होर्डिंग और प्ले कार्ड के रूप में किया जाएगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।